हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, तो फाइनली गुड न्यूज़ है आपके लिए। नेवी नर्सिंग असिस्टेंट का जो अलग भर्ती होना था, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, तो यहाँ पर इंडियन नेवी का आप जानना चाहते हैं नर्सिंग का कब भर्ती आएगा, उसकी डेट आ चुका है। पोस्ट टोटल आप जैसे देख सकते हैं थंबनेल में 500 होने वाला है। यहाँ पर एक सवाल, बड़ी सवाल है, क्या लड़कियों को अलाउड करेगा इंडियन नेवी इसमें भर्ती होने के लिए? क्योंकि जो SSR की भर्ती होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, उसमें लड़कियां जाते हैं। मान लीजिए 2000 पोस्ट लड़कों की है, तो उसमें 300 तो लड़कियां रहते हैं। और पहले SSR में एंट्री होता था नर्सिंग असिस्टेंट में, तो इसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन करेंगे आज की वीडियो में। साथ में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, सारे चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और पूरा वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिफेंस के बारे में चाहिए रियलिटी में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कर देना। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, पब्लिक है, जाके ढूंढिए और आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पहले बात करते हैं जो नेवी नर्सिंग असिस्टेंट का जो भर्ती है, जो पिछले जब से अग्निवीर आया इनकी भर्तियाँ पहले होता था SSR से, ठीक है। अभी SSR में जो भर्ती तो हो रहा है बोथ मेल एंड फीमेल का, लेकिन वहाँ से नर्सिंग असिस्टेंट किसी को ट्रेड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट अभी क्या है, रेगुलर कैडर में जाएगा। क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग होता है वो 3 साल का होता है, 2.5 से लेकर 3 साल, कोई भी नर्सिंग असिस्टेंट हो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसकी बदौलत 4 साल में ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनकी परमानेंट एक रेगुलर भर्ती का प्लान चल रहा था। अभी जो आपकी एलिजिबिलिटी गर्ल्स के ऊपर, तो गर्ल्स के ऊपर कोई अभी क्लैरिटी नहीं है और ये आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है गर्ल्स के लिए, क्योंकि जो नर्सिंग असिस्टेंट का जो ट्रेड है वो ओनली मेल के लिए ही रहेगा अभी तक, क्योंकि एक परमानेंट है। 15 साल के बाद इनकी ज़्यादातर सर्विस ये करते हैं, 20 साल के बाद पेंशन जाते हैं और 32 ईयर्स तक की सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 32 साल, 58 साल तक नौकरी करना काफ़ी वो हो जाएगा। इसलिए ये तो भर्ती रहेगा आपकी ओनली किसी के लिए, मेल के लिए रहेगा, ठीक है। अगर इसमें फर्दर अपडेट्स आता है, हो सकता है अगर 1500 में भी 200 पोस्ट या 150 पोस्ट गर्ल्स को भी दिया, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल का जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना, ठीक है। दूसरा, इसका भर्ती कब आएगा? इसका जो अप्रोक्स भर्ती है, कि ऑफिशियली कोई इसका भर्ती का डेट आया नहीं है, बट अप्रोक्स जो भी अनुमान है, जो भी हमने बात करके निकाला है, पता किया है, तो 1 जून से लेके 1 जून को आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 19 जून को आपका लास्ट डेट रहेगा। कितना? 1 जून से लेके 19 जून। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होगा, 10+2 आपका होना चाहिए, विथ 50% मार्क आपका होना चाहिए एग्रीगेट में, और साथ में आपकी बायो से होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, बायो नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बायो में क्या वो परसेंटेज रखता है नहीं रखता, वो बाद की बात है, पता चलेगा जब क्लियर नोटिफिकेशन आएगा कि 50% रखता है कि नहीं रखता। लेकिन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ हो चाहे ना हो, क्योंकि आप नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती दे रहे हो। और इसकी जो आप पूछेंगे कि सर इसकी प्रोसेस, मतलब क्या पढ़ाई करें अभी, तो इसकी जो भी एग्जाम पैटर्न होगा थ्रू SSR की होगा, जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, इसकी जो भी सिलेबस है, बुक्स है, इसी को आप पढ़ते रहिए, इसी की रिगार्डिंग उसमें होगा। एज आपका रहेगा 17.5 से लेके 21 साल, उसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 17.5 से 21 सिर्फ वही बंदे ही दे सकते हैं। अभी हम आगे जाके ना आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं डिटेल नेवी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम बनाएंगे आपके लिए कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा है, तो SSR में भी वही काम देगा। तो दोनों वीडियो आपके लिए लाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाइट यहाँ पर बहुत कम मांगता है, आर्मी में 169, एयरफोर्स में 152, यहाँ पर आपका 148, 146 में हाइट आपको मांगेगा। नेवी में कम हाइट मांगते हैं, क्योंकि वो शिप में काम करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हाइट वाले बंदे की ज़रूरत नहीं होता है, तो हाइट का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, आपका हाइट मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिटेन थोड़ा हार्ड होगा, पहले आपका होगा रिटेन, क्या होगा आपका CEE होगा, पहले आपका रिटेन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। कट ऑफ्स वगैरह हम आगे जाके जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम बात करेंगे। अगर आपकी एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में फेल हो चुके हैं, ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है परमानेंट ट्रेड में भर्ती, ठीक है। बाकी और कुछ जानना है आपकी, देखिए ये जो वैकेंसी 1500 पोस्ट में बात कर रहा हूँ, कोई स्टेट के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ये आएगा, ठीक है। कब? ऑल ओवर इंडिया ये आएगा, हर व्यक्ति जो इंडिया का है, 17 से लेके 21 साल की उम्र का है, वो अप्लाई कर सकता है जिसकी बायोलॉजी है। बाकी अगर आपका ऐसा कोई है तो इन वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।